अरे प्रमोद की गाड़ी जो है यहाँ पहुंचा हुआ है बंदा, मुझे बाहर तक जो है ओमपाल ने छोड़ दिया था। प्रमोद आ चुका है, प्रमोद से हाँ है। चल यार फिर ओमपाल ने छोड़ दिया है और नेक्स्ट ट्रिप होगा ओमपाल के साथ, नेक्स्ट ट्रिप जरूर चलेंगे साथ में। ओके तो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आज स्वागत है आपका। आज गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली ब्लॉग जो है इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है और 7:15 बज रहे हैं और जो है प्लान जो है रेंडम है, कुछ बना नहीं है अभी, कुछ डिसाइड नहीं है लोकेशन। उत्तराखंड साइड जा रहे हैं, तो ऋषिकेश से ऊपर का इरादा है, अब ये नहीं पता कि कहां का इरादा है क्या है। और प्रमोद है साथ में, मिले हुए आप पहले भी, एंड अभी जो है अपने साथ जो है 4 बंदे और जाएंगे। मैं बता दूं आपको, 4 का मतलब समझ रहे हो ना, गाड़ी देख रहे हो ना आपको हमारी कितना बड़ा स्पेस है। तो चारों में आप पहले मिले हुए उनसे भी, सागर रविंदर अभी मेट्रो से पिक करेंगे उन्हें। आज तक वैसे हम इसे थार बुलाते थे लेकिन आज से ये फॉर्च्यूनर घोषित करी गई। और जो है केशव और आकाश जो है आगे से मिलेंगे। प्रमोद काफी एक्साइटेड लग रहा है आज। ओ भाई साहब ये क्या है, मरकरी। तो रविंदर और जो है सागर दोनों आ चुके हैं, तो गाइस आप लोग रेडी हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल। दो बंदों को और पिक करना है, तो हम लोग तो निकल चुके हैं फिलहाल और मोहन नगर पहुंचने वाले हैं। अभी टाइम हो चुका है 7:30। चुके हैं पीछे भी ये बंदे, केशव आ गया है और पीछे आकाश। तो भाई दो बंदे और पिक कर लिए हमने और जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार माता का जयकारा लगा देते हैं, बोलो सांचे दरबार की जय। चलो यात्रा सबकी सफल हो, मंगलमय हो सबकी यात्रा। वैसे स्टार्ट तो कर ही ली थी हमने। आज बंदे जो है सब देखते हैं कहाँ निकलते हैं। आज सबकी दाढ़ी जो है धार मार रही है पूरी। सबने रंधा जो है बराबर लगाया हुआ आज। मैं पीछे की सिचुएशन दिखा देता हूँ कि ये कैसे लेटे हुए हैं पीछे। पीछे जो है 4 बंदे एडजस्ट हो रहे हैं एक्चुअली। केशव का था यार, केशव बोल रहा है ट्रेन से चलना है यार। मैं आऊं। तो ब्रेड रोल में भाई मजा आ गया है भाई। युक्ता बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छे बनाए हैं। ब्रेड पकोड़े ब्रेड रोल से भाई जरा कम नहीं, मजा आ गया यार। और इसी तरह जो है आगे भी ब्रेड रोल बनाते रहे। ग्रुप बड़ी लाने खोला रही और मजा आ रहा है ना। चुनर है भाई की बैठ के छोटी लगती है, बस ये है वैसे बढ़िया बैठ के। ना भी वैगनार है, आर फॉर्च्यूनर में भी है और वैगनार में। आ गई सात समंदर। लाया हुआ भाजी यहाँ पर बना के बड़ी अच्छी है। पाव दिखा केशव, लाओ इधर दो पाव, इधर दो। तेल का मक्खन है मक्खन है यार ये भाई। यहाँ पाव और भाजी चल रही है सामने, रुक के मक्खन है मक्खन है जो भी है साले। बढ़िया भूख लगी है काफी भाई, बहुत बढ़िया हो रहा है। स्टार्ट करते हैं, मजेदार एकदम, देर भी नहीं रहा तो भाई स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया इसने आज। और मोर टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया बना रहा है भाई। मजे बांध दिया रविंदर की पाव भाजी ने वाकई में, भाई बहुत बढ़िया सच में, मजाक साइड। किसने बनाया रविंदर? मम्मी ने, बहुत बढ़िया बनाया। ठीक है आंटी जी को थैंक्स बोलना हमारी तरफ से। मम्मी ओपी फिलहाल ऐसा है, अभी हम लोग जो है खानपुर में पहुंचे हैं और यहाँ से अभी जो है लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी सोचा कि हमने अभी पहला स्टॉप जो है हम हरिद्वार रुकेंगे और थोड़ा वहाँ रुक के आराम करके मॉर्निंग में वहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। और अभी थोड़ा सा जो हमने ब्रेक लिया था वहाँ पे जो हमने पाव भाजी खाई है जो कि रविंदर लाया हुआ था बना के घर से। ये पीछे जो बंदे बैठे हुए इनसे पूछता हूँ कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपसे और केशव। मैंने नहीं खाई ऐसी पाव भाजी, मैं इतना मजा आ रहा था ना खाते वक्त कि बस मेरा पेट भर गया, मन नहीं भरा पाव भाजी से।
मैं तो इसके घर दोबारा जाऊंगा। ये तो सही कह रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा भाई। बिल्कुल तो रविंदर सही कह रहा है ना, हम लोग घर पे आके जो है हम तसल्ली से जाएंगे किस दिन फिर। बहुत बढ़िया मजा आया ना, मतलब पूरा एक नंबर में, एक नंबर। तो सब लोग जो है एंजॉय करते हुए चल रहे हैं और बाकी आप जर्नी में बने रहे आगे, एंजॉय तो दिख ही रहा है। अब जो है म्यूजिक स्टार्ट होने वाला है। तो चाय चलेगी गाइस, अभी एक ब्रेक लिया है हमने, 12:15 हो रहा है, मैं उठा हुआ हूँ मतलब साथ में और रविंदर। तो केशव और आकाश जो है वो तो रखे हैं मतलब आराम कर रहे हैं, काफी थक गए हैं, गाजियाबाद के लौंडे जो है जल्दी थक। गाजियाबाद का पानी खराब है, गाड़ी में सो रहे हैं दोनों आराम से। जो है लगभग हरिद्वार जो है 50 किलोमीटर बचा हुआ है अभी लगभग, वहाँ पहुंचेंगे तो थोड़ा आराम कर पाएंगे हम लोग मॉर्निंग में, फिर वहाँ से आगे के लिए बढ़ेंगे। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए। पीछे के दो बंदे पास आकाश भाई उठे, आकाश भाई हमारी जिंदा लाश उठी है, ये फिर मेरे कंधे में देख रहे हैं। आकाश और केशव जो है ध्वस्त हो चुके हैं पूरी तरह, ये बेचारे ऑफिस करके आए तो थोड़ा इन्हें थकान ज्यादा लग गई है, कितना चूर हो चुके हैं। बढ़िया कि हम लोग ट्रिप का पूरा मजा ले रहे हैं, देखो 1 बज रहा है और आप लोग की आधी नींद पूरी भी हो चुकी होगी, हमारा जो है सफर कंटिन्यू चल रहा है। बिल्कुल रविंदर कैसे ढीला पड़ गया, रविंदर की आवाज नहीं आ रही भाई पीछे। बिल्कुल को चढ़ा भाई, बिल्कुल चढ़ाओ सर, दो दो पाव भाजी और खानी पड़ेगी तुझे अभी। कांग्रेस का राज में नहीं था ना, बीजेपी के राज में आई। यह जो है हम हरिद्वार के नियर के हरिद्वार पहुंच गए लगभग। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। गाइस 2 बजे पहुंच चुके हैं हम लोग और सर जो है यहाँ पर मोयना ले रहे हैं, सोच रहे हैं हर की पौड़ी तक जो है थोड़ा सा घूम घाम के आए। पीछे सागर है, सबकी जैकेट और हुड निकल चुका है, ठंड यहाँ पर यहाँ पता लग रहा है हरिद्वार में ठंड का। दिल्ली से जो टी शर्ट में निकले थे, यहाँ आते ही जो है सबके जो है रजाइयां निकल गए, रजाइयां गद्दे जो है सबने ओढ़ लिया अपने अपने। शिवजी की मूर्ति है ना वो देखो सामने, हाँ भोले ना ये देखो, हाँ जो है यहाँ पे घूम रहे हैं, हर की पौड़ी में पहुंच चुके हैं, हर हर गंगे। आप सबको बड़ा ही मजा आने वाला है, कर मजा ले रहा है पूरा, ये स्नैप बनाने में बिजी है अपना। वैसे तो हम साले हाँ ले लिए, कैसा लगा मेरा मजा। अभी का जो नजारा है ना इतना अच्छा हो रखा है, मतलब है मतलब अभी भी यहाँ पे 2 बजे के करीब भी अभी भी लोग हैं, बट ये है कि कम है, घूम रहे हैं यहाँ। बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि इतना लेट नाइट जो है हम लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ इस मौसम का और इस टाइम का जो है आनंद ले रहे हैं। ठीक है मतलब इतना ठीक है, नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है नॉर्मल। चले भाई चेक करते हैं पानी, इतना भी नहीं है। तो तो हर की पौड़ी में हम लोग घूमने के बाद हम लोगों ने क्या किया, टी ब्रेक लिया, अपना चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग जो है वापस हर की पौड़ी में अप्रोक्स 4 बजे के करीब आए स्नान करने के लिए। लोग आ चुके हैं और आकाश और प्रमोद गाड़ी में ही है, तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ स्नान धनान करके डुबकी वगैरह लगा के यहाँ और तब बढ़ेंगे आगे की ओर। अब पानी तो जो है काफ़ी ठंडा हो रहा है, अब देखते हैं कि इनका क्या क्या हाल होने वाला है, इनका क्या मेरा भी देखना पड़ेगा कि क्या हाल होने वाला है। पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है, पानी का जो बहाव है आप आवाज सुन सकते हैं यहाँ से। तो भाई पहुंच चुके हैं घाट पे, काफी ठंडा हो रहा है और बहुत ठंडा है गाइस, और ये तो जाने को तैयार नहीं है, पहले बहुत समझदार है, देखते हैं इनकी हिम्मत। ये वापस छूके वापस छूके वापस शक्ति असली मर्द कहते हैं किसी, अब मुझे देख रहा असली मर्द किसे कहते हैं, असली मर्द जा रहे हैं यहाँ पे मग्गू, असली मर्द मग्गू। तो भाई स्नान धनान हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं
और धन निकलते हैं आगे के लिए अपना। और मजा आ गया भाई, सुबह सुबह लग रहा था मैच भी ना लिया, ठंडा पानी नहीं है, बहुत मजा आया स्नान करके। वाह, इन्होंने केशव भाई ने मुआ धोया बस, वो भी ढंग से नहीं छीटे हमारे। क्या ऑसम व्यू आ रहा है यार, मिस कर दिया वीडियो बनाना चाहिए। हां सही कह रहा है। तो राम झूला न होते हुए हम लोग गुजर रहे थे, तो सोचा राम झूला भी जो है थोड़ा घूमते हुए निकले। देख सकते हैं यहाँ पर सागर अपना स्नैप में लगा हुआ है और दिस द वे यू कैन सी। ओह माय गॉड, आप नजारे देखें आगे। तो बॉयज मजा आ रहा है आप लोगों को, हाउ यू फीलिंग? अबे थोड़ा सा डांस वांस हो जाए यार। सागर यहाँ पे बना ये रविंद्र ज्यादा चलाएगा। वाह इतनी बढ़िया चल रही है, मतलब एक अलग ही मौसम हो रखा है। क्या गाइस, गाइस एक झूला वहां भी है। गाइस बताइए आप भी क्या सब फील हो रहा है फिर आपको, इधर दिखाइए थोड़ा और लंबा कर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम वहां खड़े थे और यहां आ गए? बस तो खींचते यार दूर से, ट्रेन आ गया है। और तू भी तो सोता भैया आ रहा गाड़ी में, भाई जाके चुराई पर मंदवाई की जैसे गाड़ी वाड़ी भी जाती है तो भी पता लग रहा है पूरा झूला भी यार क्या क्या बना रखा है। तभी ऐसा है, प्लानिंग हो चुकी है यहाँ से, अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं था यहाँ से, लेकिन जो है ओखीमठ का प्लान बनाया अभी। और ओखीमठ जो है यहाँ से आपका जो है अभी 175 किलोमीटर दिखा रहा है, तो बाकी देखते हैं। काफी मतलब एक्साइटमेंट तो है कि वहाँ जाके क्या क्या मिलने वाला है। और ये जो ये वाला जो रूट है, इस रूट पे अपना आना भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो भाई अभी तक का सफर आपको कैसा लगा भाई पीछे? बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। कहर जहर, हल्की बॉडी में नागे अलग ही आनंद आया। आज को बोल कौन रहा है, सोता रहा पूरा टाइम गाड़ी में है, वो बंदा कह रहा मजा आया। तो भाई वो आज के व्लॉग का करते हैं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है करते रहिए, और आगे वाले ब्लॉग जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोग जो है देखते रहिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।